हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ते 18 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, कल हमने क्वेश्चंस का एक लेक्चर दे दिया था, आज दोस्तों बात है दूसरे लेक्चर की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि अंडर रूट दे रखा है, एक स्क्वायर रूट दे रखा है। क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट के भीतर 42.25 माइनस के स्क्वायर रूट के भीतर 12.25 प्लस 6 इक्वल टू, आपको बताना ये है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, पता थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे ना आपको आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर पता क्या होगा, ना तो सी होगा ना डी होगा, ये दो ऑप्शन तो डायरेक्ट ही गलत हो जाएंगे, समझे। थोड़ा सा दिमाग और लगाओगे ना तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, मन में ही सॉल्व करना है, लेकिन अभी आपके लिए बताता हूँ कि आपने मैंने इसको कैसे मन में सॉल्व किया है। आप मुझे बताओ, 42.25 दे रखा है, आपको पता है 42.25 जो होता है, जैसे अंडर रूट है, अंडर रूट कब खत्म होता है, जब भीतर एन स्क्वायर हो, तभी तो अंडर रूट कैंसिल होता है। मैंने बताया था भीतर क्या होना चाहिए कि एन इंटू एन है, तो बाहर हमारा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा बाहर, तभी अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये चीज पता है। आप मुझे बताओ 42.25 को हम क्या एन स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, बिल्कुल लिख सकते हो यार, 42.25 है, आपको पता देख के ही लगना चाहिए ये किस संख्या का वर्ग है। मैंने क्या बोला था, लास्ट में देखो 25 है, लास्ट में 25 है, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि ये किसी भी ना किसी संख्या का वर्ग हो सकता है जिसके अंत में 5 हो। आप मुझे बताओ, जिसके अंत में 5 हो तो मतलब 5 तो हो ही गई होगा। अब आपको किस पे फोकस करना होता था, 42 पे। 42 देखो क्या है, 42 क्या है तुम्हारा, 6 7 42 है, 6 × 7 42 है, 6 7 42 हो गया। आप मुझे बताओ 42 को ऐसे फैक्टर करो कि जिसका डिफरेंस हमेशा, जैसे 6 7 42 हुआ, 6 और 7 का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 42 के ऐसे फैक्टर करो, मतलब कि जिन दो फैक्टर आएंगे 42 के, उनका डिफरेंस अगर 1 हो रहा है ना, तो आप सबसे पहले छोटा नंबर पकड़ लीजिए, छोटा नंबर क्या है इसमें, 6 है, तो 6, और जो मैंने 5 देखा था 25 को देख के, तो आपको पता चल जाएगा कि 65 का स्क्वायर है। भाई आप 65 ये रिवर्स वे में सॉल्व कर रहे हैं, मैंने आपको किसी भी नंबर के अंत में जिसका अंत में 5 हो उसका स्क्वायर करना सिखाया था। जैसे मैं कहूँ ये 65 ही मान लो, 65 का स्क्वायर निकालना मैंने आपको बताया था। आप मैंने क्या बोला था, अगर अंतिम पद मतलब इकाई का अंक अगर 5 है ना, तो आप 25 तो लिख नहीं लिखना है, आपको फिर क्या करना है कि 6 से बड़ा क्या होता है, 7, तो आपको क्या करना है, 6 × 7 करना है, 6 7 42, 6 7 42 25 होता है। ठीक रिवर्स मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ 25 है तो मतलब कि 5 किसी भी संख्या के वर्ग में तो हो गई होगा, क्योंकि यहाँ पर 25 आ रहा है, तो हमें 5 तो आ नहीं आना चाहिए। अब 42 को मैं कैसे फैक्टर करूँ, मैंने क्या किया था, यहाँ पर 6 7 42, 6 और 7 का डिफरेंस देखो, 6 7 का डिफरेंस क्या है, 1, तो 1 है और सबसे छोटी संख्या 6 यहाँ पर लेनी पड़ेगी। आपको ये देखना है कि 42 के क्या ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनका डिफरेंस, फैक्टर का डिफरेंस 1 आए, तो आप देखोगे कि 6 7 42 होता है, 6 7 42 होता है, 6 और 7 का डिफरेंस 1 आता है, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या हमको लेनी पड़ती है। 6 और 7 में सबसे छोटी संख्या क्या, 6, और 5 तो चाहिए चाहिए, तो मतलब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 65 का स्क्वायर होगा, आपको देख के ही लगना चाहिए। आप मुझे बताओ अंडर रूट 42.25 को आप कैसे लिख सकते हो, आप मुझे बताओ 42.25 है, 42.25 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 65 का स्क्वायर लिख सकते हो। 65 का स्क्वायर का मतलब समझे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये सब मेंटली करना है, किसी का स्क्वायर करना है, इसका मतलब उस संख्या का उसी में गुणा होता है, स्क्वायर का मतलब बताया था कि सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे बताओ भीतर दो जोड़ा, भीतर मतलब एक पेयर दिया गया, एक पेयर मतलब दो टर्म दे रखे, दो नंबर दिए रखे हैं, एक जोड़े में दो नंबर होते हैं। आप मुझे बताओ अंडर रूट के बाहर आएगा तो सिंगल नंबर आता है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता रखा है, 65 आएगा। आप मुझे बताओ अंडर रूट 42.25 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 65 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब 12.25 है, 12.25 है, आप मुझे बताओ 12.25 है, 25 है, तो इसका मतलब ये किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है जिसके अंत में 5 हो, ठीक है, 25 का काम खत्म हो जाता है। अब देखना ये किस नंबर का स्क्वायर, 12 है, 12 के क्या ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनका डिफरेंस, फैक्टर का डिफरेंस हमारा 1 आ रहा हो। 12 देखो 3 × 12, थोड़ा सोचोगे तो 3 × 12 करेंगे ना, 3 और 4 का डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है,
तो हमको क्या लेना पड़ता है, सबसे छोटी वैल्यू लेनी पड़ती है, तीन तीन लेनी पड़ती है, और पाँच तो है ही। इसका मतलब 12 25 जो है हमारा 35 का स्क्वायर है। 12 25 जो है अंडर रूट 12 25 को हम क्या ले सकते हैं, 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर का मतलब समझे, 35 को मैंने 2 बार गुणा करना है, ये सब मन में ही रखना है। 35 का 2 बार गुणा होगा अंडर रूट के भीतर, तो बाहर क्या आएगा, एक बाहर आएगा एक नंबर, तो 35 यहाँ हो गया 65। ये माइनस चिन्ह लगा दो, 12 25 की जगह हम क्या ले सकते हैं, 35 और प्लस 6। आप मुझे बताओ 65 में जब 35 जाएगा कितना बचेगा, 30। 30 और 6 कितना हो जाता है हमारा, 36। हमारी संख्या क्या आ गई, यहाँ लिख दे रहे हैं, हमारी संख्या क्या आ गई, 36 आ गई। 36 इज इक्वल टू क्या लिखा है कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स मार्क, चलो क्वेश्चन ही मार्क रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताओ ये 36 है, 36 है, जैसे मैं कहूँ 36 ना मार के अगर मैं एन रखूँ, एन जैसे है, एन को मैं अगर अंडर रूट के भीतर ले जाना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन को अंडर रूट के भीतर अगर जाना जाएगा तो एन स्क्वायर होगा, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। या तो आप एन बाहर लिख दो, या अंडर रूट के भीतर अगर ले जाना चाहो ना तो एन स्क्वायर कर सकते हो। सेम कंडीशन ये हुआ, अब 36 है, 36 को मैं अंडर रूट के भीतर ले जाना चाहूँगा ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 36 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अंडर रूट और ये क्वेश्चन मार्क। आप देखना यहाँ लगा क्या, बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर का चिन्ह लगा है तो मतलब राशियाँ समान है। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क आएगा ना, कंपेयर कर लो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा, जो यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसकी जगह हमको क्या चाहिए, 36 का स्क्वायर चाहिए, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखना 36 का स्क्वायर मैंने 12 96 इतनी जल्दी कैसे निकाला। आप मुझे बताओ 36 के स्क्वायर में निकालने में परेशानी हो रही ना, तो आप मुझे बताओ 35 का स्क्वायर निकाल लो, 36 से पहले 35 आता है ना, 35 का स्क्वायर निकालोगे ना, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 5 है लास्ट में, 25 तो आएगा ही आएगा, 25 आएगा। 35 का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने निकाल चुके हैं ऑटोमेटिक। 35 का स्क्वायर हमारा कितना है, देखो 12 25 आपके सवाल में ही दे रखा है ना, 35 का स्क्वायर अगर 12 25 है, आप मुझे बताओ 36 का स्क्वायर जो होगा तो 12 25 से ज़्यादा होगा कि नहीं भाई साहब। 35 का स्क्वायर अगर 12 25 है, हमको 36 का स्क्वायर चाहिए, 36 का स्क्वायर चाहिए, तो मुझे बताओ 36 का स्क्वायर 12 25 से ज़्यादा होगा, 12 25 से ज़्यादा होगा। साथ ही साथ देखना अंतिम अंक क्या है, 6 है, अंतिम अंक 6 है, किसी भी नंबर का अगर लास्ट अंक यूनिट डिजिट अगर 6 है उसका स्क्वायर करने पर, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ाया था हमेशा क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा, हमेशा 6 आएगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी खेल गए, इस बेसिस पे मैंने 2 ऑप्शन गलत कर दिए थे, ठीक है। अब देखना, अब 36 का स्क्वायर है, मैंने 35 का स्क्वायर कैसे सोचा था, 12 25 है तो ऑप्शन में तो दे रखा, आपके सवाल में ही दे रखा है कि 35 का स्क्वायर, तो मतलब कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो 12 25 से ज़्यादा आएगा क्योंकि हमको 36 का स्क्वायर चाहिए, 12 25 से ज़्यादा आएगा, तो हमका ऑप्शन ए कहाँ कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए 11 56 है जो कि 12 25 से छोटा है। भाई साहब हमको 35 के स्क्वायर से ज़्यादा नंबर चाहिए, इसका मतलब 12 25 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, 12 25 से ज़्यादा नंबर सिर्फ ऑप्शन बी ही सही है, इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। तो आपको ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताई जरूर है, लेकिन अभी आप ये जब तक सीखने के फेस में हो तब तक आप ये सब सीख सकते हो, समझे, जो अभी मैंने कुछ बताया है। जब एक बार आप सीख जाओगे तो ये जैसे मैंने किया था ना ओरली, वैसे ही आप ओरली सवाल को करने लगोगे बिना पेन चलाए, समझे। आपको देखेगा कि 42 25 जो है ना, ये हमारा 65 का स्क्वायर होता है, क्यों, क्योंकि 25 तो आने आना है, 42 क्या होता है, 6 × 7 छोटा नंबर लेना है, मतलब 6 और 25 है तो मुझे 5 लेना है, तो ये 65 का स्क्वायर, ये 65 माइनस के 35 प्लस 6, ये सब आप मेंटली नहीं कर पाओगे। 65 में से जब 35 जाएगा, 30 प्लस 6 36, 36 बराबर दे रखा है अंडर रूट के भीतर। अब 36 को अगर अंडर रूट के भीतर ले जाना चाहेंगे ना तो हमको क्या मिले, क्या करना पड़ेगा, 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 36 का स्क्वायर होता कितना है, 35 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा, थोड़ा सोचोगे ना, 35 का स्क्वायर हमने अभी निकाला ही था 12 25, मतलब कि जो भी आंसर आएगा वो 12 25 से ज़्यादा आएगा, 12 25 से ज़्यादा आएगा, और साथ ही साथ हमको 36 का स्क्वायर चाहिए जिसके अंत में 6 आ रहा हो, तो स्क्वायर करने पर भी हमको लास्ट डिजिट हमेशा 6 मिलती है, लास्ट अंक 6 देख लो, 6 बेसिस पे मैंने सी और डी ऑप्शन गलत कर दिए। अब चाहिए हमको 12 25 से ज़्यादा आंसर, 12 25 से ज़्यादा चाहिए तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी के सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। अगर दोस्तों ये सलूशन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। दोस्तों टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन एक बार आप जब सीख जाओगे ना तो आपका ये क्वेश्चन मजाक बन जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए,
इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपके इस तरीके के सवाल ना बहुत ही नॉर्मल वे में सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले बेसिक समझिए, अगर मैं ट्रिक की बात करता हूँ ना, अगर आपने ट्रिक लगा दी तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे? आपने जैसे ही सवाल पढ़ा आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी सब बहुत छोटे नंबर दे रखे हैं, हो ही नहीं सकते यार। ऑप्शन डी के अलावा कोई सही नहीं हो सकता, समझे? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब देखना कैसे मैंने लगाया। पहले सबसे पहले बेस समझा देता हूँ। अंडर रूट के भीतर सॉल्व करना है। आप मुझे बताओ, 101 प्लस एक्स बाई 144 दे रखा, आपको एलसीएम 144 ही लेना पड़ेगा। अब 144 लेना पड़ा, इसके नीचे 1 है तो 1 गुणे 144 144 होता है। 144 गुणे 1 करोगे ना, ऊपर ऊपर क्या आएगा, 144 प्लस एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 13/12। अगर मैं 13/12 को अंडर रूट के भीतर ले जाऊंगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 13/12 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। भाई साहब, अगर अंडर रूट खत्म होगा तभी तो 13/12 आएगा। अगर 13/12 को अंडर रूट के भीतर ले जाऊंगा ना, तो मुझे 13/12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। आप देखना, अंडर रूट कंपेरिजन किया करो बस, और कुछ नहीं। 144 प्लस एक्स बटे 144 इजकल टू, आप मुझे बताओ, 13/12, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 13/12 का मतलब समझे, स्क्वायर करोगे ना तो 169/144 आएगा। आप मुझे बताओ, कंपेरिजन करो, देखो हर हर समान है। आप देखो अंश भी समान होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा, इक्वल टू का मतलब ये होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही हमारा राइट हैंड साइड में होना चाहिए। आप मुझे बताओ, यहाँ कितना दे रखा है, 169, तो यहाँ पर भी 169 ही होना चाहिए ना। आप मुझे बताओ, 144 में मैं क्या जोड़ूंगा कि मुझे 169 मिलेगा, तो 144 में आप 144 में आप क्या जोड़ोगे, 144 में प्लस आप क्या जोड़ोगे, 25 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 169 देगा। 169 देगा तभी तो बात बराबर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन बना है। इक्वल टू मतलब इधर साइड जो बराबर होगी वही सेम साइड इधर बराबर होगी, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, समझे? तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। 25 हमने ऑप्शन मार दिया, लेकिन हमने इस तरीके से ऑप्शन नहीं किया था। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, समझे आपको। आप मुझे बताओ, जब भी इस तरीके का सवाल आए ना, शॉर्ट ट्रिक ध्यान से समझना। अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 इक्वल टू आपको 13/12 दे रखा है। जब भी इस तरीके का सवाल आए, आप देख लो कि इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर कितना, अगर स्क्वायर करने पर 169 आया बटे 144 आया, अगर स्क्वायर करने पर आपको हर हर समान आए, प्लस 1 प्लस समथिंग लिखा हो, 1 प्लस समथिंग लिखा हो, समझे, 1 प्लस समथिंग लिखा हो तभी ये बात बनेगी, समझे। 1 प्लस समथिंग एक्स बाई 144 लिखा, अब देखना 144 हर हर बराबर आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका स्क्वायर करना है मनी मन में, और आपको देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 20 से ज़्यादा है। 169 में जब 144 जाएगा तो मुझे 20 से ज़्यादा बचेगा, क्यों? क्योंकि 144 प्लस 20 अगर करोगे ना तो कितना होता है, 164 होता है। 20 से ज़्यादा आंसर आना चाहिए, 20 से ज़्यादा आंसर देखो ए बी सी कहीं है, बहुत छोटे नंबर दे रखे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपको करना ही करना है तो 169 में जब 144 घटाओगे तो कितना बचेगा, 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझे ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है, समझे। ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक इसी से जनरेट हुई है, कोई दिक्कत नहीं। आपको 144 देखो, 144 प्लस एक्स है, वही मैं कह रहा हूँ कि 144 प्लस एक्स बराबर 169 दे रखा है। देखना ट्रिक यहीं से आई है, 144 प्लस एक्स बराबर 169 है। अगर कंपेरिजन की बात करूँ तो एक्स बराबर क्या होगा, 169 माइनस 144। 169 में जब 144 जाएगा, भाई मैं कह रहा हूँ कि 169 और 144 का डिफरेंस कर लो, वही हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ट्रिक यहीं से आई है, कहीं होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिकल सोचोगे ना तो आप ट्रिक भी जनरेट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है ट्रिक निकालना, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ सीख गए होगे। अगर ये चीज़ सीख गए हो तो अगला सवाल जो आएगा ना वो आप उड़ा देना, देखना कैसे। आप मुझे बताओ, मैंने क्या कहा, 3 यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 169 इक्वल टू 14/13 है, 14/13 दे रखा है, 1 प्लस एक्स बाई समथिंग दे रखा आंसर। आप मुझे बताओ 14/13 का स्क्वायर फटाक दे करके देखो, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। जी हाँ, हर हर मिल गया बराबर, हर हर मिल गया तो हर हर महादेव हो गए, हर हर महादेव हो गए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक्स की वैल्यू तो निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे आती है, जब 196 में से 169 घटाओगे, 196 में से 169 घटाओगे तो कितना आएगा, नॉर्मल आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैसे, 16 में से 9 गई 7, 8 में से 6 गई 2, बस 169 प्लस 27 करोगे ना तभी तो ऑप्शन सी आ जाएगा। अब इसको घटाना भी आना चाहिए कि घटाना भी मैं सिखाऊँ, इतना तो आप जानते हो कि सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, डायरेक्ट घटाओ यार, 196 माइनस 169
मुझे वाली आंसर आना चाहिए भाई साहब 27 होगा। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो समझे, इनमें से कोई नहीं है इसलिए मैंने इसको पूरा घटाया। अगर ये बात होती, अगर यहाँ भी कोई ऑप्शन दे रखा होता, जैसे मैं यहाँ अगर 15 दे रखा होता ना, तब भी मैं 196 169 है, 169 में अगर 20 जोड़ोगे ना तो 189 होगा। देखो 20 से ज़्यादा हमको मिलेगा, ये देखो 15 13 एक गलत हो जाते, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाते। मैंने पूरा क्यों घटाया, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं है। अगर भाई साहब ऑप्शन डी 15 दे रखा होता ना तो मैं ऑप्शन सी घटाता भी नहीं समझे, डायरेक्ट ही आंसर मार देता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ सीख गए होगे। अब इस तरीके के सवाल आए, आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करना है सिर्फ 14/13 का, देखना कि हर हर महादेव बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर बराबर हो रहे तो 196 और 169 करना है, बस उसका डिफरेंस करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया, ट्रिक कहाँ से जनरेट होती है ये भी मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ सीख गए होगे। चलिए बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक आपको अंडर रूट दे रखा है, ये पूरा अंडर रूट दे रखा है, 15612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225। दोस्तों कभी भी ऐसी कंडीशन आए, यहाँ कोई नंबर दे रखा हो प्लस में, फिर अंडर रूट लगाओ, फिर यहाँ कोई नंबर दे रखा हो प्लस में, फिर अंडर रूट लगाओ, फिर यहाँ कोई नंबर दे रखा है, ऐसी कंडीशन जब भी आए तो आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है ये जान लीजिए। आपको सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते करते आपको लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ना है। आप मुझे बताओ ये चीज़ सीख गए कहाँ से स्टार्ट करना है, ये चीज़ सीख गए हो तो बस आप देखना खेल। आप मुझे बताओ राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना, 225 है, 225 देखो 25 आ रहा लास्ट में, 25 आ रहा है, इसका मतलब 5 आना चाहिए। अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2 हमने बोला तो छोटा नंबर पकड़ लो, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 225, 15 का स्क्वायर। मैंने बताया था 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए, अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप याद कर लो, आपको देख के लगना चाहिए भाई साहब कि 225 जो है, अगर हमारा 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 225 को हम लिख सकते हैं भाई साहब ये 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब समझे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 15 × 15। अब अंडर रूट के भीतर दे रखा है, बाहर आएगा तो 15 ही बचेगा। यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई, यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। अब मुझे बताओ 154 प्लस 15 कितना होता है, 169। 154 प्लस 15 कितना होता है भाई साहब, 169 होता है, ये तो जोड़ने चले। 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 आया, देखो अंडर रूट के भीतर कितना आया 169, 169 आपको देख के लगना चाहिए 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, देखो 2 13 13 का स्क्वायर मतलब समझे, दो नंबर एक पेयर बाहर आएगा, पूरा नंबर एक बाहर आ जाएगा 13। आप समझो अंडर रूट 169 दे रखा है, इसका मतलब क्या है 13। अब आपके सामने संख्या कितनी बन गई, 15612 प्लस 13। आप मुझे बताओ कितना आ गया हमारा आंसर, 15625 आया। अब देखना यहाँ 25 दे रखा है, इसका मतलब लास्ट में 5 आ जाना चाहिए अगर स्क्वायर रूट खत्म करना है। तो यहाँ देखो 156 की कहानी बची, 156 क्या है, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। 12 × 13 = कितना होता है 156, ये चीज़ नोट कर लेना, ये काफ़ी बार एग्जाम में काम आती है। 12 × 13 अगर 1556 होता है तो हमको छोटी संख्या पकड़नी है, छोटी संख्या कितनी है 12, और 5 तो मुझे पकड़ना ही है लास्ट में, तो हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 15625 जब मैं बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, तो हमें कितना मिलेगा 125। 125 कहाँ दे रखा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये सब चीज़ें मेंटली करना, आप जब भी आए देखना आपको कैसे करना है। आप 225 देखा 15 आया, 15 154 कितना होता है 169, मतलब 13 आएगा। 15612 में जब 13 जोड़े हुए तो 15625 आएगा, 625 मतलब 25 लास्ट में आएगा। 15625 अगर आया हमारा, यहाँ लिखते हैं 15625 अगर हमारा आया और अंडर रूट लगाया तो 25 की कहानी ख़त्म हो जाती है, 25 हमारा 5 ही ले जाता है। अब 156 को देखना है किसका प्रोडक्ट है, जिसका फैक्टर करने पर एक फैक्टर अगर 12 × 13 आएगा, डिफरेंस हमेशा एक मिलना चाहिए, अगर डिफरेंस एक मिल रहा है तो हमको छोटी वैल्यू पकड़नी है। तो 125 का स्क्वायर हो जाएगा 15625। अब अंडर रूट के भीतर है, अंडर रूट से चाहे अंडर रूट काट दो, या आप ऐसे समझ लो कि 125 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, 125 × 125 मतलब एक पेयर दे रखा है अंडर रूट के भीतर, बाहर आएगा ना तो सिंगल नंबर आएगा, सिंगल एक ही आदमी आएगा बाहर, तो 125 आएगा, 125 मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन आप मेंटली करोगे बिना पेन चलाए, मैंने अभी तक जो भी समझाया ना सब चीज़ें मेंटली करनी है आपको। मैं समझाने में टाइम ज़रूर ले रहा हूँ, मैं समझाने में हमेशा टाइम इसलिए लेता हूँ ताकि आपको एक बार चीज़ समझ में आ गई ना तो दोस्तों ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे और पेन भी नहीं चलाओगे, इतनी लॉजिकल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट
80 माइनस के अंडर रूट 112 अपॉन अंडर रूट 45 माइनस का अंडर रूट 63। दोस्तों जैसे ही ये देखा ना आपके सामने आंसर मिल गया, आंसर पता कितना मिल गया। आंसर की बात करें तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। देखना कैसे, मैंने कैसे, आप मुझे बताओ 80 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 80 सोलपन 80 होता है, 80 तो सोलपन 80 होता है, मान लो सोलपन 80 ये सब आना चाहिए। अब 16 गुणे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू 5। अब स्क्वायर है देखो, दो नंबर है, 4 स्क्वायर स्क्वायर मतलब समझे 4 गुणे 4। अब एक पेयर से बाहर आएगा 5 की कहानी है नहीं, 5 के साथ में कोई होता तो 5 भी बाहर आता। अब 4 के साथ में 4 है तो एक बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया तो भीतर क्या बचा, 5 ही बचेगा बेचारा। तो रूट 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√5 लिख सकते हैं। यहाँ लिख लो रूट 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√5। अब 112 की कहानी है, 112 देखो 16 सत्य 112 होता है, हमको लग रहा है ना रूट क्या होता है, 16 गुणे 7, 16 सत्य 112, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर गुणे 7। अब देखो 4 का स्क्वायर है भैया, ये सब बार मिलेंगे तो 4√7 आ जाएगा हमारा। ये चीज़ें आनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको मज़ा कैसे आएगा। 80 दिखा ना, 16 पन 80 कुछ लॉजिक बना, 16 मतलब किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, तो 4 बार आएगा, 5 की कहानी 5 अटक जाएगा, 16 सत्य 112 मतलब 4 बार आएगा 7 अटक जाएगा, 7 अटक जाएगा ना, 16 सत्य 112 देखो यहाँ 4 यहाँ क्या कहते हैं, 16 सत्य 112 होता है तो 4 बार आ गया और रूट 7 आ गया। 112 को ऐसे लिख दिया, अब 45 लिखा, 45 को देखो कैसे लिख सकते हो, 45 नौपना 45 होता है, अंडर रूट 45 को मतलब समझे क्या होता है, अंडर रूट 9 गुणे 5, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 होता, 3 गुणे 3 गुणे 5, देखो 2 3 है, 2 एक जोड़ा है, एक जोड़ा में से सब बार अगर जोड़ा को ख़त्म करना है तो एक जोड़ा बाहर आ जाता है, 3√, और 5 की कहानी यही रहेगी क्योंकि 5 बेचारा एक ही है, तो अपॉन में 45 त्रिका हम क्या लिख सकते हैं, 3√5। ये सब मेंटली अगर कर पाते हो तो 63 है, 9 सत्य 63 मतलब 9 जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, 3 बन जाएगा, अंडर रूट के भीतर अगर 9 है तो बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, क्यों, 9 तो क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है तभी तो बाहर आके 3 बनेगा, तो माइनस का 3√7। अब देखना आप मुझे बताओ, 4√5 माइनस का 4√7, 3√5 माइनस 3√7। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व क्या करना है, आंसर मिल गया। आप मुझे बताओ 4√5 माइनस 4√7 है, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले रहा हूँ और नीचे से 3 कॉमन ले, देखो 4 ऊपर से कॉमन लिया तो क्या बचा, रूट 5 माइनस का रूट 7 अपॉन नीचे से अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो रूट 5 माइनस का रूट 7। अब देखो रूट 5 माइनस रूट 7 ऊपर भी है, रूट 5 माइनस रूट 7 नीचे भी है, दोनों कट जाएंगे कोई खत्म। अब बचा कितना हमारा, 4/3 भैया बचे, 4/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखना दो ऑप्शन मैंने क्यों गलत किए थे, मैंने देख लिया था कि 9/45 मतलब 3 से लेना देना है, इस सब कट जाएंगे यार, 9/45 ऊपर भी देखो 5 आ रहा है तो 4 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा, मतलब 3 आना चाहिए हर में, 3 हर में आना चाहिए, तो यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हर में 3 ही आएगा, हमें 3 का मल्टीपल आएगा समझे। आप देखो 4/3 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, देखो 3 × 3 और ऊपर वाला जुड़ते हैं, 3 × 3 = 1 4/3, 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/3 जैसा लिखा उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ गए होगे, अगर समझ में आया तो बढ़िया, अगर नहीं समझ पा रहे हो ना तो एक बार फिर इस चीज़ को देखना, क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा रिवीजन करके देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ गए होगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि √15 = 3.88 हो तो √5/3 पूछ रहा है कि √5/3 क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, पता थोड़ा सा सोचोगे ना ये सवाल ना मैं दो तरीके से बताऊंगा, बहुत ही मज़ेदार। आप मुझे बताओ पहला तरीका, पहले मैं क्या कह रहा हूँ इसी से खेल ले रहा हूँ, √5/3 है। आप मुझे बताओ √15 की वैल्यू दी गई है, जब भी किसी की वैल्यू कुछ दी गई होती है ना और जब आपसे कुछ पूछा जाता है ना तो आपका फोकस ये होना चाहिए जिसकी वैल्यू दी गई, क्या मैं इस चीज़ को क्या मैं √15 के टर्म में ला सकता हूँ, कोई चीज़ हो क्या मैं √15 के फंक्शन में ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकते हो यार, थोड़ा सा सोचोगे ना तो। थोड़ा सा सोचने पर जैसे √5/3 है, इसको मैं √15 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। देखो 5 अगर मैं ऊपर 3 का गुणा करता हूँ और नीचे 3 का गुणा करता हूँ, कोई फ़र्क पड़ता है रूट के भीतर, देखो 3 से 3 कट ही जाएगा लेकिन रहेगा 5/3, लेकिन फ़र्क पड़ा थोड़ा थोड़ा सा। आप मुझे बताओ काटो ना, 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया कोई दिक्कत नहीं,
सेम राशि का जब ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ें मैं सब सिखाऊंगा। अब देखना 5×3 क्या हो जाएगा 15 और 3×3 कितना हो जाएगा 9। अब मुझे बताओ √15/9 को क्या मैं √15/√9 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब भी स्क्वायर रूट होता है, जैसे मैं कहूँ यहाँ देखो 16 दे रखा, यहाँ देखो 9 रखा है, 16/9 को चाहे आप √16/9 को √9 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे √16/9 कर दो, बात है कि यह आंसर उतना ही मिलेगा। √16/9 है, √16/9 को क्या लिख सकते हैं 4/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो अब बाहर कितना आएगा 4/3, और चाहे ऐसे कर दो √16 से बाहर क्या आएगा 4 और √9 से बाहर क्या आएगा 3, तब भी 4/3 ही आ रहा है। देखो बात एक ही बराबर, चाहे √16/9 कर दो चाहे √16/9 कर दो, बात एक ही है। अब देखना √15/9 है, इसको देखो √15 लिख सकते हैं। अब √9 है, √9 को हम क्या लिख सकते हैं, तीन का स्क्वायर होता है, √9 तीन का स्क्वायर होता है, आप देखो तीन का स्क्वायर मतलब समझे 2×3 आएगा 12, जब रूट खत्म होता है तो सिंगल ही नंबर होता है 3। आप देखो √15 मैंने बना दिया है, यहाँ पर √15 की वैल्यू दे रखा है, √15 कितना होता है 3.88/3 करना है। अब भाग ही तो करना है, आंसर मिल जाएगा 3×1, देखो यहाँ कर 3×3 पॉइंट लगाया 8 मिला, 3×2 = 6, 2×50 = 28 हुआ, 3×9 = 27, 3×9 = 27 के बाद में 1×10 लगाया तो 0 बढ़ेगा, 10 हुआ, 3×3 = 9, फिर 1×, चूंकि 0 लगा है फिर 0। क्या कह रहा हूँ कि 1.29333333 मतलब 0 के बाद में 1 मिलेगा और 0 हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि 0 लगा, तो 333 मिलता चला जाएगा, कभी कटेगा ही नहीं। जब कभी कटता नहीं है ना, आप मुझे बताओ आंसर हमारा क्या आएगा, 1.29333333 आता रहेगा। यहाँ देखो 1.29 दे रखा है, यहाँ देखो 1.2934 तक ही वैल्यू लिमिट हो गई, यहाँ पर लिमिट वैल्यू फिक्स वैल्यू दे रखी ना, लेकिन हमको कोई फिक्स वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी। फिक्स वैल्यू तब मिलती है जब कोई नंबर रुक जाता है, यहाँ नंबर रुकेगा ही नहीं। जैसे मैं कहूँ कि 1/3 नंबर दे रखा है आपको, आप काटो 0 लगाओगे 10 हुआ, 3×9 फिर 1×, फिर 10 होगा, 0 लगा चूंकि 0 बढ़ेगा, फिर 3×9 मतलब 1/3 को आप काट ही नहीं सकते हो, मतलब कोई फिक्स वैल्यू मिलेगी नहीं। यहाँ देखो आंसर फिक्स दे रखे, ऑप्शन डी भी खत्म। यहाँ देखो कुछ दे रखा है 1.293, इसको क्या बोलते हैं हम, बार बोलते हैं। जब भी कभी फिक्स नंबर नहीं मिलता है, अब हमको 1.29 अगर मुझे इसको लिखना होगा तो जिस नंबर को फिक्स नंबर नहीं मिलता ना उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 3 बार लगाया, जैसे 0.3 बार है, तो इसका मतलब क्या है 0.33333, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा ना तब बताऊँगा, अभी इतना समझो अनंत बार लिखते चले जाओ, कोई रुकेगा ही नहीं यार। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि 3 के ऊपर बार चढ़ाना पड़ता है। यहाँ देखो बार लगा है, सारे नंबर फिक्स दे रखे हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, सब नंबर फिक्स दे रखे हैं। देखो 1.29 नंबर ऐसा है जो फिक्स नहीं दे रखा है, और चूंकि फिक्स आ भी नहीं रहा है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, समझे। एक तरीका तो ये हो गया लगाने का, एक तरीका बता रहा हूँ, एक तरीका क्या है देखना, बहुत ही आसान है। आपने इधर साइड जो आपने वैल्यू दे रखी ना उसको √15/9 का दिया, आप मुझे बताओ यहाँ से भी निकाल सकते हो, √15 = 3.88। अब √15 को क्या लिख सकते हो, √3×15 होता है = 3.88, समझे। अब √3×5 लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3×√5, बात बराबर ही है, समझे। जैसे मैं कहूँ कि √16 लिखा है, 16 लिखा है, आप मुझे बताओ 16 को आप क्या लिख सकते हो, √4×16 होता है। आप ये मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 भी लिख सकता हूँ। √4 का मतलब समझे 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार आएगा, इसको √4 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार आएगा, 2×2 = 4 आंसर आ जाएगा। मतलब क्या कह रहा हूँ, √16 को आप √4×4 लिख सकते हो। इस √4 को जैसे 2 नंबर दे रखे हैं, 2 के ऊपर रूट चढ़ा है ना, तो इन 2 रूट को मैं सिंगल रूट में भी डिवाइड कर सकता हूँ। इसी प्रकार से √3×5 लिखा है, इसको मैं √3×√5 भी लिख सकता हूँ, = क्या लिखा है 3.88 लिखा है। आप मुझे बताओ अगर मैं इस संख्या को 3 से भाग करता हूँ दोनों तरफ तो मेरी कहानी बन जाएगी जो मुझे पूछा गया √5/3। कैसे, आप मुझे बताओ 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3×√3 लिख सकता हूँ। ये चीज़ सीखने वाली है, आप 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3×√3। देखना
अगर अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री को एक रूट में करूंगा ना, तो तीन तिरका नौ, 22 चीज़ बन गई, नौ है अंडर रूट के भीतर, नौ है तो बाहर क्या आ जाएगा, तीन, क्योंकि नौ क्या होता है, तीन का स्क्वायर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थ्री को आप दो बार रूट में तोड़ सकते हो, किसी भी नंबर को अगर दो बार रूट में तोड़ोगे, जैसे मैं कहूँ यहाँ देखो कोई एन नंबर है, एन नंबर है, एन को मैं क्या ले सकता हूँ, रूट एन इंटू रूट एन, बात एक ही है, समझने लायक है, समझे। इसी प्रकार मैंने थ्री को क्या लिखा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, आप देखना रूट से रूट खत्म हो गया, आप देखना कितना आया, रूट फाइव बाई रूट थ्री इजकल टू 3.88/3 आया। आप देखना रूट फाइव बाई रूट थ्री को मैं क्या ले सकता हूँ, रूट फाइव अपॉन थ्री ले सकता हूँ, बात एक ही है, चाहे रूट फाइव बाई रूट थ्री कर दो, रूट थ्री या रूट फाइव बाई रूट थ्री, सबका अब आंसर कितना आ जाएगा, 3.88/3, इसको डिवाइड करना है बस, जो डिवाइड किया था मैंने बोला था इसको आंसर कितना आएगा, 1.29333 आएगा, समझे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस सवाल को करने का दो तरीके हैं, समझे, इन दोनों तरीके समझना है आपको, जो दिया गया आपको वो बनाने की कोशिश करना, या राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करना, समझे। अगर राइट हैंड साइड से चल रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हो जो वैल्यू दी गई है तो आपको राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश किया करना, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर छः बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सात की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है कि 25/92 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क कोई दिक्कत नहीं, 324 दे रखा है, आपको बताना है कि अंडर रूट की जगह पर क्या आएगा। आप देखना काट दो ना, देखो 324 है, ये चार से कटेगा, 4×24 चार दूनिया चार के बाद लास्ट टू डिजिट चार से कट रहे, इसका मतलब चार से कटेगा, 4×24 25 हुआ, 19 हुआ, 4×6 16 3×4=32, अब देखना 4×32 4×4, अब देखो 648 और 81 है, मुझे दिख रहा है कि 81 को अगर मैं 8×64 8×81 कितना होता है, 648 होता है, बिल्कुल होता है, 8/√ दे रखा है इक्वल टू 1 है, अब इसको इधर भेज दो तो 8 = क्या आ रहा है, ये आ रहा है। आप मुझे बताओ अगर 8 को मैं अंडर रूट के भीतर ले जाना चाहूँगा तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर होता कितना, 64 = अब देखना इस क्वेश्चन मार्क की जगह कंपेरिजन करो ना क्या आएगा, 64 ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू बराबर होता है, तो 64 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर सात बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, आप कंपेरिजन करो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंपेरिजन करो आंसर आ जाएगा खटाक दे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठ की ओर, क्वेश्चन कह रहा है कि √4 + √144 + √ कितना देखा, 10,000 दे रखा है, मैंने क्या बोला था हमेशा राइट हैंड साइड से सॉल्व करो, 10,000 दे रखा है, इसका मतलब देखना चार जीरो दे रखे हैं, चार जीरो दे रखे हैं, मैंने बोला था अगर किसी भी संख्या का जैसे एन जीरो का स्क्वायर है, आपको क्या करना है, एन का स्क्वायर और डबल द जीरो। सेम कहानी अगर मैं कहूँ दो जीरो दे रखे हैं, आप मुझे बताओ आपको क्या करना है कि एन स्क्वायर और दो जीरो की जगह क्या डबल द जीरो, देखो चार जीरो दे रखे हैं, आप देखो एन की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, एन की वैल्यू अगर मैं एक रखूँगा एक का स्क्वायर करूँगा और चार जीरो, एक का स्क्वायर कितना होता है एक, यहाँ देखो एक मैंने एन की जगह रखा तो यहाँ पर भी एन की वैल्यू एक रखूँगा एक और दो जीरो, आपको समझ में आ गया कि 100 का स्क्वायर ही हमारा क्या होता है, 10,000 होता है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 100 का स्क्वायर मतलब 100×100, अब स्क्वायर रूट खत्म करना है तो 100 ही आएगा, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमारी कितनी आ जाएगी 100, अब देखना 44 + 100 कितना होता है, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, तो इसको ख़त्म करने पर मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, आप मुझे बताओ 12 + 4 दे रखा है, 12 + 4 कितना होता है 16 जो दे रखा है अंडर रूट के भीतर, 16 क्या होता है 4×2, अब देखना 4×2 होता है, अंडर रूट जब खत्म होगा तो सिंगल ही 4×12 आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये चीज़ तो सीख ही गए होगे, स्क्वायर कॉन्सेप्ट आपने पूरा पढ़ाया तो सीख गए होगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखना √225/√729 दे रखा है, √225 क्या होता है, 15×2, ये तो पता ही है, 225 अभी मैंने निकलवाया था पीछे, 25 दे रखा ना, 5 तो आनी है ना, 2 क्या होता है 1×2 मतलब 15×2, 15 और 729 क्या होता है, आप मुझे बताओ 729 किसका स्क्वायर होता है, अगर 729 आपको सोचना है, आप देखना मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 729 जो है वो मुझे बताओ कि किस नंबर का स्क्वायर होता है, 729 को देख के नहीं लग रहा है, 729 जो होगा वो स्क्वायर किस नंबर का होगा, आप मुझे बताओ 20×2 कितना होता, आप क्या सोच सकते हो 20×2 कितना होता है, 400, और 30×2 कितना होता है, 30×2 कितना होता है 900, आपको दिया क्या गया 729, इसका मतलब 20 और 30 के बीच में ही स्क्वायर होगा 729, आप देखना किस नंबर का स्क्वायर करने पर मुझे 9 देता है,
भाई साहब अगर इकाई का अंक 3 हो और इकाई का अंक 7 हो, यही दो नंबर की औकात है जिनका स्क्वायर करने पर मुझे लास्ट अंक हमेशा 9 देगा। देखो यहाँ लास्ट अंक कितना है, 9 है, मतलब कि वो नंबर क्या होना चाहिए, 20 और 30 के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ किस नंबर का स्क्वायर करने पर मुझे 9 मिलेगा, मतलब 3 का और 7 का, मतलब वो नंबर क्या हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं या 27 हो सकते हैं। 23 और 27 का स्क्वायर मुझे 739 देगा। अब देखना ये है कि 23 का स्क्वायर 739 देता है, 23 और 27 बीच में एक नंबर और आता है, 23 और 27 के बीच में नंबर आता है 25। 25 का स्क्वायर आप आसानी से निकालें, 25 का स्क्वायर होता कितना है, 625। मैंने बोला है ना 25 तक स्क्वायर याद कर लो, 625। अब वैल्यू क्या दे रखी है, 739, जो कि 625 से ज़्यादा है, मतलब 25 से ज़्यादा है। 25 से ज़्यादा का स्क्वायर आएगा, 25 से ज़्यादा का स्क्वायर क्या उनसे सही हो सकता है, सिर्फ 27 का स्क्वायर ही हो सकता है 739। ये चीज़ सीख गए। अब मुझे बताओ अंडर रूट 225 बटे 729 है, ये आप क्या लिख सकते हो, पर 225 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 225 का स्क्वायर 225 है, ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, 15 बटे 27 का होल स्क्वायर दे रखा है, समझे। माइनस का अंडर रूट 25 क्या किसका स्क्वायर, 5, 144 किसका होता है, 12, 5 बटे 12 का स्क्वायर दे रखा है। और यहाँ क्या लगा है, भाग लगा है दोस्तों, भाग क्या है, 16 बटे 81, मतलब 4 बटे 9 का स्क्वायर दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आप देखना आंसर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ना पता हो तो 15 बटे 27 को दो बार लिखोगे, अंडर रूट से बाहर आएगा तो एक ही बार आता है, तो 15 बटे 27 माइनस के 5 बटे 12 कोष्टक में बंद कर दो और भाग लगाया, भाग को जब रिवर्स करो, देखो भाग ही कर दो, अभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना आएगा, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 4 बटे 9। अब मुझे बताओ 27 बार आया है और ऊपर क्या लिखा, 15 बटे 27 माइनस के 5 बटे 12 लिखा है, ठीक है। अब भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो रिवर्स हो जाती है वैल्यू, 4 बटे 9 है, पलट जाती है जब भाग को गुणा में करना है, ये बचपन में आपने सीखा होगा, 9 बटे 4 हो गई। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। अब देखना इस कैलकुलेशन को मैं अगर सरल बनाना चाहूँ तो ऊपर से मैं 5 कॉमन ले ले रहा हूँ और नीचे से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, 3। ऊपर से अगर मैंने 5 कॉमन लिया और नीचे से 3 लिया, ऊपर से 5 कॉमन लूँगा तो 5 दिया 15, 3 बचेगा, और नीचे से 3 लूँगा तो 3 × 27 = 3/9। देखो 5 दिया और 3 कॉमन लिया, 3 × 27 माइनस का, अब 5 ऊपर से कॉमन लूँगा तो एक ही बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 3 × 12 गुणे 9/4। अब 3/9 को क्या ले सकता हूँ, 3 × 9 होता है, 1/3 लिख दो, 5/3 1/3 माइनस का 1/4 गुणे 9/4। अब देखो आपस में गुणा कर दो, इसको सॉल्व ही करना है, ऊपर जाएगा 4 होगा, इधर जाएगा तो 3 होगा, 4 में से 3 जाएगा 1, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आएगा, 5/3, 4 में से 3 गया 1 और 3 × 4 करना पड़ता है, 3 × 12 × 9/4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व ही करना है, कर दो 3 × 9 3 × 12, अब ऊपर कितना बचा, ऊपर तो 5 ही बचा, 5 बचा और नीचे कितना बचा, 4 × 4 4 × 16 मतलब 5/16 आंसर आ जाएगा बिना किसी हेडक के, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो भिन्न जब मैं सिखाऊंगा ना तब आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा कि क्या कॉमन ले सकते हो, क्या कर सकते हो उस चीज़ को सरल बनाने के लिए। हमको यहाँ 27 और 12 का एलसीएम लेते हैं, समझे, एलसीएम मेथड से जाना पड़ता है, लेकिन हम एलसीएम मेथड से क्यों जाएं, जब हमको कॉमन मिलकर हम चीज़ें सरल हो रही हैं तो हम एलसीएम मेथड से क्यों घुसें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो 288 अपॉन अंडर रूट 128 दे रखा है। मैंने क्या बोला था, अगर इसको इस भाषा में ले सकते हो 288/128, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताओ 4 × 7 = 28, 88 कट रहा है, मतलब 4 से संख्या कट रही है, 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। आप देखो 8 से कट रहा है, 8 × 32, 8 × 72, 8 × 72 होता है यार, 8 क्यों लिख दिया, 8 × 72, तो बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 9/4। अंडर रूट 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/4 को हम 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 9 होता है, 2 × 2 = 4 होता। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल समझो, या 3/2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 × 3/2। आप मुझे बताओ अंडर रूट के भीतर एक पेयर बन गया, जब बाहर आता है तो हमको सिंगल ही नंबर मिलता है, 3/2 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और सब बेकार है, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आएगी, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसानी से लग गए हो दोस्तों। अभी तक मैंने जो भी सवाल पढ़ाए ना, सब लॉजिकल बेसिस लगेंगे और बिना पेन चलाए लगेंगे, क्योंकि मुझे समझाने का मकसद ही यही है कि आपको बिना पेन के सॉल्व करवाऊँ सवाल। दोस्तों
अब जब आपने मेरे सलूशन देख लिए होंगे तो अब आप बिना पेन के सॉल्व करना, देखना कि आपको बिना पेन के सॉल्व किए हुए, बिना पेन चलाए ही हमारा आंसर मिलने लगा होगा। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट सवाल। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर नए हो। दोस्तों शेयर ज़रूर किया करो ताकि मेहनत जो भी मैं करता हूँ सफल हो सके। दोस्तों चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच माय फैमिली। जय हिंद दोस्तों।